स्वागत है आप सभी का इस इंटरेस्टिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूँ प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे आज हम शुरू करें विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड द इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और ये चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विच कैरीज 20 मार्क्स कंपलसरी। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का कंपलसरी वेटेज है ये चैप्टर को। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा लेंथी बट सिंपल सा चैप्टर बिजनेस सर्विस आज हम शुरू करेंगे। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू मी एंड इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। अभी आपने 11th स्टैंडर्ड से लर्न किया कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको आंसर आता है तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। बिजनेस मतलब क्या होता है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पे हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब टर्म्स को इंक्लूड करते। और हम बिजनेस क्यों करते, डेफिनेटली टू इंक्रीज और टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बट हम बिजनेस तो 11th में बहुत कुछ लर्न कर चुके, हमने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, स्मॉल बिजनेस के बारे में भी पढ़ा, बट अभी हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज सर्विसेज के ऊपर। सिंपल सा बात है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट को बेचना है तो उसी के साथ मुझे सर्विस देना होगा। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का मदद लगेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मुझे रॉ मटेरियल को पहुंचाना है तो मुझे किसका मदद लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन। अगर मुझे मार्केटिंग करना है तो अगेन मुझे मार्केटिंग का मदद लगेगा। अगर मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है, कुछ इन्फॉर्म करना है तो मुझे कम्युनिकेशन का मदद लगेगा। अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे एडवर्टाइजिंग का मदद लगेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं या कोई हम एक प्रोडक्ट बनाना है या एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को बेचना है तो हमें किसका मदद लगता है, सर्विसेज का मदद लगता है। अगर हम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें पैसा लगता है, और पैसा अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कहाँ से लाएंगे, बैंक से लाएंगे। इससे समझ में आता है कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब हमें लगता है जब हम कोई भी नया बिजनेस को शुरू करते या हम बिजनेस को रन करते। तो सिर्फ बिजनेस करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिजनेस के साथ सर्विस भी देना वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने पहले 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी यहाँ पे सर्विसेज का मतलब क्या होगा, दैट इज अ सपोर्ट सर्विस, जो हमारे बिजनेस को मदद करेंगे चलाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर मीनिंग ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सर्विसेज आर इनटैंजिबल। सर्विस क्या होती है, इनटैंजिबल इन नेचर होती है, बिकॉज सर्विस हमें दिखती नहीं है बट हम सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। सो सर्विसेज आर ऑलवेज इनटैंजिबल इन नेचर। नेक्स्ट वन, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड नॉर ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक। क्या लिखा है, इट नाइदर मैन्युफैक्चर नॉर ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक। ना तो हम सर्विस को संभाल के रख सकते, ना तो ट्रांसपोर्ट कर सकते, ना तो स्टॉक कर सकते। थर्ड पॉइंट, सर्विस के नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। जिस तरह से हमने गुड्स को स्टोर करके रख सकते उस तरह से हम सर्विस को स्टोर कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, नो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्कर खरीदा है और मैंने मार्कर को स्टोर करके रखा तो चल जाएगा, मार्कर वैसा का वैसा ही रहेगा। बट हम सर्विस को स्टोर करके रख सकते हैं क्या, नॉट पॉसिबल। सो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। नेक्स्ट वन, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस। अभी जो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस। गिविंग लेक्चर्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस। मैं ये सेम सर्विस कोई और दे सकता है क्या, मेरे जैसा, आंसर इज नॉट पॉसिबल। बट अगर हमने गुड्स ट्रांसफर किया तो ये सेम मार्कर आपको कहाँ पे भी मिल सकता है, इसका ओनरशिप राइट आपको मिल सकता है, बट सर्विसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
सो यहाँ पे लिखा है नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज मीनिंग को लिखा है, जिस तरह से आप इजीली आंसर को याद कर सकते हो। और हमने अभी क्वेश्चन शुरू किया है, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस। ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस ये हम लर्न करने वाले, जिसमें अभी तक हमने सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन देखा एंड व्हाई सर्विस इज इम्पोर्टेंट ये हमने समझा, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है तो सर्विस के बिना नहीं हो पाता, सो हम इसको सपोर्ट सर्विसेज ऐसे नाम देते हैं। नाउ वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ सर्विस विच इज गिवन बाय फिलिप कोटलर। ये डेफिनेशन किसने दिया है? फिलिप कोटलर ने डेफिनेशन दिया है। हम ये डेफिनेशन को पार्ट पार्ट करके लर्न करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। सर्विस क्या है? एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी। एक पार्टी सेकेंड पार्टी को ऑफर कर सकता है, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस दे सकता है। इज एसेंशियली इनटैंजिबल। हमने मीनिंग में क्या लर्न किया स्टूडेंट्स, कि सर्विसेज क्या होता है? इनटैंजिबल इन नेचर होता है एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप। यस, हमने पढ़ा कि यहाँ पे ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं होता है, सो यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट टाई टू फिजिकल प्रोडक्ट। जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसका जो प्रोडक्शन होता है सर्विसेज का, नॉट नेसेसरी इट विल बी टाई अप, इट विल बी कनेक्टेड टू योर फिजिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस, इट इज नॉट नेसेसरी इट इज कनेक्टेड टू द प्रोडक्ट। तो कभी कभी इट कैन बी कनेक्टेड और कभी कभी इट कैनॉट बी कनेक्टेड। तो हमारा डेफिनेशन में हम पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस। कौन दे सकता है? वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पार्टी टू अनदर पार्टी। नेक्स्ट थिंग, यस इट इज व्हाट? इनटैंजिबल। तो आप क्या रखोगे? इट इज इनटैंजिबल। तो पहला होगा एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कौन दे सकता है? वन पार्टी टू अनदर पार्टी। नेक्स्ट क्या होगा? इट इज इनटैंजिबल इन नेचर। तो आप इनटैंजिबल याद रखोगे। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिजल्ट इन व्हाट? ओनरशिप राइट। हम ओनरशिप राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसका जो प्रोडक्शन होगा, मे बी टाइड और मे नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट। तो पार्ट वाइज लर्न करोगे तो इट विल बी सिंपल टू लर्न, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपके जो सजेशंस होंगे आप वो डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके आगे के वीडियो बन जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस। अभी फीचर्स को हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहला पॉइंट, दैट इज इनटैंजिबिलिटी। यस, अभी इनटैंजिबल का मतलब क्या है? दैट इज विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, बट इट कैन बी फेल्ट और एक्सपीरियंस। जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते बट टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, ये मार्कर को हम टच कर सकते, इसका क्वालिटी देख सकते, तो गुड्स कैन बी टच, गुड्स कैन बी चेक, इसका क्वालिटी को हम चेक कर सकते, बट सर्विसेज ऐसा नहीं होता है, इट इज इनटैंजिबल इन नेचर। उसी के साथ अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आई थिंक बेहतर तरीके से समझेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग ऑफ द बैंक, बिल्डिंग ऑफ द बैंक। हम आपने सभी ने बैंक में विजिट किया होगा किसी न किसी कारण, राइट? तो आप जब बैंक में विजिट करते हो तो आपको बैंक का बिल्डिंग तो दिखता है, राइट? यू कैन सी द बिल्डिंग ऑफ द बैंक। बट अगर हम बात करेंगे जो वहाँ के इम्प्लॉयज होते हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते, वो आपको विजिबल होता है क्या? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग ऑफ द बैंक इज विजिबल, बट द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैट इम्प्लॉयज इज नॉट विजिबल। एग्जाम्पल समझते। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर इम्प्लॉय है, बैंक इम्प्लॉय है, और आप उसके पास गए, आपने उसको बोला कि मुझे आपके बैंक में अकाउंट ओपन करना, आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना, ऐसा आपने वो पर्टिकुलर बैंक इम्प्लॉय को बोला। जब भी हमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना होता है तो सर्टेन फॉर्म्स दिए जाते हैं, राइट? तो वो पर्टिकुलर इम्प्लॉय ने आपको फॉर्म्स दिए, बट उसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं की, वो ज्यादा आपसे रूडली बात करना शुरू किया, या प्रॉपरली उसने आपको गाइड नहीं किया क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फिल करने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब आपको उसने नहीं बताया। तो आगे आप वो पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करोगे क्या? यस और नो?
जो भी आपने सोचा वो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बिल्डिंग ऑफ द पैंट आपको विजिबल है, बट वो एम्प्लॉय ने कैसे आपके साथ ट्रीट किया उसके ऊपर से आप डिसाइड करोगे कि वो पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करना है कि नहीं। यस और नो? तो कैन वी से सर्विस ऑल्सो प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ईच एंड एवरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अगर मैं एम्प्लॉय ने आपसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपसे अच्छे से बात नहीं किया, तो हम वो पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जब हम करते तो सर्विस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इनटैंजिबिलिटी, जिसमें आप क्या लिखोगे, विच इज इनविजिबल इन नेचर। क्या इनविजिबल है? सर्विसेज आर इनविजिबल इन नेचर। उसी के साथ लाइक सर्विसेज जो इनविजिबल है, बट इट कैन बी फील, इट कैन बी एक्सपीरियंस बट नॉट बी टच। एग्जाम्पल आप क्या डाल सकते हो, बिल्डिंग ऑफ द बैंक इज विजिबल बट द बैंकिंग सर्विसेज which are given by the bank employees, it can be felt or it can be experienced, ठीक है? Second point, perishability. अभी perishability का मतलब आपको पता होगा, which cannot be exist for the long term, जो ज्यादा time तक नहीं टिकता उसको नाम क्या देते, perishability. And yes, our banking services are perishable in nature. Our services itself are perishable in nature. So यहाँ पर explanation याद रख सकते हो, that is production and consumption. Take place simultaneously. अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी के साथ हमें सर्विस दिया जाता है। आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो आपको मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में सर्विस, उसके फीचर्स के बारे में बताता है, उसके प्राइस के बारे में, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर मोबाइल। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते तो उसी के साथ सर्विस डिलीवर किए जाते हैं। तो इट मीन्स सर्विस को हम स्टोर करके रख सकते हैं क्या? Answer is no. तो perishability का मतलब क्या होगा? Service cannot be stored for a future use. हम service को कभी भी future use के लिए store नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लिखा है cannot be stored for future use. Third point, inseparability. Inseparability का मतलब होता है which cannot be separated. Inseparability का मतलब क्या होता है? Which cannot be separated. Now, what cannot be separated? The service and the service provider. Service and the service provider. For example, यहाँ पे particular shopkeeper है, उसका जो employee है वो service provider है, and customer are the service taker. तो यहाँ पे जो service provider है और service लेने वाला है वो दोनों same time पे present होने चाहिए, तभी जाके तो service हो पाएगा, तभी जाके तो हम service दे पाएंगे। तो यहाँ पे production and consumption take place at the same time. So service provider and service दोनों क्या होने चाहिए? दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए। कस्टमर शुड बी प्रेजेंट टू टेक अ प्रोडक्ट, तभी जाके तो वो शॉपकीपर वाला क्या कर पाएगा? सर्विस दे पाएगा। सो कस्टमर एंड योर सर्विस प्रोवाइडर शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम टू गेट द बेनिफिट। थर्ड फोर्थ पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अभी अगर हम देखेंगे व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर, डेफिनेटली सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर। सर्विस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी अगर हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल बिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एवरी मंथ आप अगर मोबाइल बिल पे कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि आपने मोबाइल का सर्विस खरीद लिया। यस और नो? एवरी मंथ आपने मोबाइल पे किया, मोबाइल बिल पे किया, तो इस मंथ भी आपने मोबाइल पे बिल पे किया, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट अंडरस्टूड इन दैट वे कि अगर आप एक बार मोबाइल बिल पे करते हो तो आगे आपको पे नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपने वो सर्विस को खरीद लिया है, ऐसा माना जाएगा क्या? आंसर इज नो। हम और एक एग्जाम्पल से समझ सकते कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई गुड्स खरीदते, ठीक है, अगर मैंने मार्कर खरीदा, तो मैंने मार्कर खरीदा तो मैंने उसके बदले पैसा दिया और मार्कर खरीदा, राइट? सो मैंने पैसा दिया और मार्कर खरीदा, तो ये मार्कर किसका होगा? मेरा होगा। सो इसका ओनरशिप राइट मेरे पास आ जाएगा, राइट? सो योर गुड्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बिकॉज इट हैज अ ओनरशिप राइट, ओके? बट अगर हम सर्विस कंसिडर करेंगे तो सर्विस के लिए हम पैसा तो पे करते बट उसका ओनरशिप राइट ट्रांसफर होता है क्या? आंसर इज नो। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि हमें किधर घूमने जाना है, ठीक है? योर क्लास इज डिसाइडेड टू टेक अ पिकनिक, ओके? तो आप सबने क्या किया? पिकनिक के लिए पैसा पे किया। आप उस दिन पिकनिक के लिए गए, बट फॉर एग्जाम्पल
जब ही यहाँ पे हम पिकनिक के लिए गए तो हमने स्टे पिकनिक था, ठीक है, स्टे पिकनिक था, तो आपने वहाँ पे एक रूम बुक किया था, तो 2 और 3 रूम्स है बुक, ठीक है। तो रूम जब बुक किया तभी हमने क्या किया, ऑफकोर्स रूम का जो रेंट होगा वो हमें पे करना होगा, हमने रूम का रेंट पे किया। बट जब हम रूम का रेंट पे करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रूम का ओनरशिप राइट हमारे पास आया, यस और नो? हमने वो रूम का रेंट पे किया, इसका मतलब ये हुआ कि वो रूम का ओनरशिप राइट हमारे पास आया, यस और नो? डेफिनेटली नो। हमने रूम का रेंट क्यों पे किया, बिकॉज हम वो 2 दिन के लिए रहने वाले थे, वो पर्टिकुलर जो रूम होल्डर था उसने हमें क्या किया, सर्विस दिया, हमने उसका रेंट पे किया, आज उधर ही खत्म होगा। बट जब भी मैंने मार्कर खरीदा तभी भी मैंने पैसा पे किया था, तो जब हम गुड्स के लिए पैसा पे करते तो वो गुड्स पूरा हमारा होता है, कंप्लीट ओनरशिप हमारे पास आता है। बट जब हम सर्विस के टाइम पैसा पे करते हैं तो हमारे पास ओनरशिप राइट्स आता है क्या? आंसर इज नो। तो इससे हमें समझ में आता है कि कभी भी सर्विस ट्रांसफरेबल नहीं होती, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। आप मोबाइल बिल की एग्जाम्पल ले सकते हो, या फ्लैट की एग्जाम्पल ले सकते हो, पिकनिक का एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, दैट इज रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ। अभी अगर आपको सर्विस का बेनिफिट उठाना होगा तो आपको पार्टिसिपेशन तो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन पिकनिक एग्जाम्पल लेते हम क्लास के पिकनिक पे जा रहे थे, ठीक है, वी हैव डिसाइडेड टू गो इन शॉर्ट और स्मॉल पिकनिक, दैट इज वन डे पिकनिक। एवरीथिंग इज रेडी, अपने अपने बैग्स पैक कर लिए थे और अब मॉर्निंग 6 o'clock निकलने वाले थे। बट इन मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग आपको ठीक नहीं लग रहा था, सो यू डिसाइडेड टू नॉट टू गो इन द पिकनिक, तो आपने अपना प्लान कैंसिल किया। मतलब जब तक आप पिकनिक में जाओगे नहीं तब तक उसका बेनिफिट ले पाओगे क्या? यस और नो? आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। अगर आप खुद नहीं जाओगे तो वो पिकनिक का बेनिफिट ले पाओगे क्या? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बेनिफिट लेना है, सर्विस का बेनिफिट लेना है, तो पार्टिसिपेशन दोनों साइड से लगेगा, दैट इज द जो पिकनिक कंडक्ट कर रहा है वो भी आपको लेके जाना चाहिए, एज वेल एज आप खुद भी वो पिकनिक के टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, उसका बेनिफिट उठा पाओगे। सिंपल एग्जाम्पल हम और एक ले सकते हैं, सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू कंडक्ट द लेक्चर्स, अगर मुझे लेक्चर्स लेने तो टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ शुड बी प्रेजेंट, तभी जाके हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, तभी जाके आप बेनिफिट ले पाओगे। उसी तरह से अगर हम गुड्स के एक एग्जाम्पल में लेते तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे गुड्स में ऐसा नहीं होता है, बट इन सर्विस द बोथ पर्सन शुड बी प्रेजेंट, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस टेकर, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी और डिफरेंट, या इनकंसिस्टेंसी और डिफरेंट। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हर एक पर्सन का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक मार्केटिंग पर्सन का मार्केटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक सेल्स पर्सन का सेलिंग सेल्स का टेक्निक डिफरेंट होता है, यस और नो? हर एक इंश्योरेंस कंपनी का वे ऑफ गिविंग द इंश्योरेंस पॉलिसी वो डिफरेंट होता है। इट मीन्स हमें समझ में आता है कि सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, सर्विसेज आर इनडिफरेंट इन नेचर, इट डिपेंड्स ऑन द सेम, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर। उसके साथ हम और एक एग्जाम्पल ले सकते, हर एक टीचर सेम बैच के लिए सेम वे से सिखा सकती है, बट डिफरेंट बैच के लिए क्या होगा, डिफरेंट वे से सिखा सकती है, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। जहां पे स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली वे ऑफ टीचिंग भी डिफरेंट होगा। जैसे हर एक टीचर सेम तरीके से नहीं सिखा सकती, हर एक मार्केटिंग पर्सन सेम वे से हर एक पर्टिकुलर पर्सन को मार्केट नहीं कर सकता, हर एक सेल पर्सन हर एक पर्टिकुलर कस्टमर को सेम तरीके से गुड सेल नहीं कर सकता। उसी तरह से हम सर्विस देखेंगे तो इट इज इन डिफरेंट इन नेचर। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग, एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग, एवरी सेल्स पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिंग द गुड्स। इससे हमें समझ में आता है सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, इट इज इन डिफरेंट इन नेचर, ठीक है, इट इज डिफरेंट इन नेचर। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, जो आपका 20 marks कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस को कम्प्लीट किया है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिया, जहाँ पे हमने समझा कि बिजनेस करने के साथ साथ सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने सर्विस का मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा, और हमने यहाँ पे टोटल 5.6 points देखे, जहाँ पे इंटेंजिबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, नॉन ट्रांसिबिलिटी, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन,
बाइफर्केशन एंड हेटरोजीनियस। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, उसकी अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई आते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर जो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे, आगे भी सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और उनको भी मेरे चैनल से जोड़े। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।